हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं आज आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें मैं सर्चिंग टेक्निक लीनियर सर्च स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो भी सॉर्टेड लिस्ट पे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ अगले वाली स्लाइड पे जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा इन शॉर्ट लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च सबसे सिंपल वाला मेथड होता है जिसमें हम सर्च करते हैं हर एक आइटम को। हर एक आइटम को जब हम सर्च करते हैं तब लीनियर सर्च यूजुअली जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो सर्च करता है लीनियरली और सिक्वेंशियली और सीरियली। इसलिए हम इसको लीनियर सर्च, सिक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च करके भी बुलाते हैं। तो ये हमें कैसे परफॉर्म करना है ये मैं आपको प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले देखते हैं कि ये जो मेथड है वो दोनों लिस्ट पे अप्लाई होती है, जो कि इफ हमारे पास अनसॉर्टेड डेटा है तो भी हम लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट सर्च कर सकते हैं लीनियर सर्च अप्लाई करके, और अगर मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो भी मैं लीनियर सर्च अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो सेशन में मैं फोकस सॉर्टेड लिस्ट पे करने वाली हूँ। क्यों सॉर्टेड लिस्ट पे हम और कैसे कर सकते हैं और कौन सा वाला बेनिफिशियल है। अगर मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो हमें लीनियर सर्च कैसे अप्लाई करना है, और अगर हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है तो हमें लीनियर सर्च कैसे अप्लाई करना है, ये अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मेरा पहला वाला वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसके साथ साथ वर्किंग वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो जिसपे मैंने डिटेल में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो सेशन में आपको प्रोग्राम सॉर्टेड लिस्ट के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरे पास ये सॉर्टेड लिस्ट है जिसमें मेरे पास 7 नंबर है, सॉर्टेड लिस्ट है मेरा वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, और इसमें अगर मुझे डेटा सर्च करना है जैसे कि मेरा फर्स्ट की वैल्यू है 60, अगर मुझे 60 सर्च करना है तो लीनियर सर्च कैसे अप्लाई होगा। तो ये सबसे पहले 10 के साथ कंपेयर होगा, इक्वल नहीं है तो ये 20 पे कंपेयर होगा, 30 के साथ कंपेयर होगा, 40 के साथ कंपेयर होगा, 50 के साथ कंपेयर होगा और 60 के साथ कंपेयर होगा। अभी ये इक्वल है इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रेजेंट एट विच पोजिशन, तो इट इज प्रेजेंट एट 5th पोजिशन। तो ये हमारा जो की है वो 5th पोजिशन पे प्रेजेंट है। और हमारा आई जो हम इंडेक्स वैल्यू यूज कर रहे हैं सर्चिंग के लिए, वो हम मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ इस कॉलम में वो कौन सी जगह पे होगा, तो वो भी 5th पोजिशन पे होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट होगा सक्सेसफुल सर्च। तो हमारा जो नंबर है वो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर मेरा दूसरा वाला टेस्ट केस है 75, मुझे 75 सर्च करना है मेरी सॉर्टेड लिस्ट में से, तो मैं क्या करूंगी, ये सारे नंबर पहले कंपेयर करूंगी वन बाय वन। अगर आपको याद है तो मैंने और एक चीज बोली थी कि हमें क्या सर्च करना है, जो नंबर सर्च करना है वो हमें कंपेयर भी करना है कि वो नंबर इक्वल अगर नहीं है तो वो नंबर इज लेस देन द करंट पोजीशन नंबर और ग्रेटर देन द करंट पोजीशन नंबर। अगर ये हमारा जो की वैल्यू है, अगर ये की वैल्यू ग्रेटर है तो हमें आगे जाके सर्च करना है। अगर की वैल्यू हमारा जिस नंबर के साथ हम अभी कंपेयर कर रहे हैं उससे छोटा हो रहा है तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। यही तो खासियत है हमारे सॉर्टेड लिस्ट की। अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो ये हमारा टाइम बचाता है। तो चलो देखते हैं 75 के साथ क्या होता है। 75 10 के साथ कंपेयर कर लिया, इक्वल तो नहीं है पर 75 ग्रेटर है तो आगे जाके कहीं ना कहीं हो सकता है, तो हम कंपेयर कर लेंगे 20 के साथ। सेम रिजल्ट आएगा, इक्वल नहीं है, ग्रेटर भी है तो कंपेयर कर लो 30 के साथ, इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर है, 75 इज ग्रेटर देन 30, तो ये आगे जाके यहां तक ये रुक जाएगा। अभी 70 के बाद हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल है नहीं, तो हमें क्या करना है, 70 पे हमें स्टॉप करना है, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो कौन सी भी की जो पोजीशन है वो यहाँ पे नहीं दिखाई है क्योंकि वो प्रेजेंट है ही नहीं, पर हमारे पास आई का पोजीशन क्या होगा, एंड ऑफ द लिस्ट।
अगर हमारा लिस्ट यहाँ पे एंड हो गया है, इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या है? मेरा रिजल्ट है अनसक्सेसफुल सर्च, तो मेरा नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. मैं अभी 28 यहाँ पे मेरा नेक्स्ट की टेस्ट केस है, नेक्स्ट की है 28, तो 28 10 के साथ कंपेयर होगा, इक्वल नहीं है, बट 28 10 से ग्रेटर है, तो आगे जाके वो 20 के साथ कंपेयर करेगा. फिर भी इक्वल नहीं है, पर 20 से वो ग्रेटर है, तो आगे जाके 30 के साथ कंपेयर करेगा. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 28 इज नॉट ग्रेटर देन 30. 28 30 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब आगे जो नंबर है वो ऑब्वियसली 30 से ग्रेटर है. अगर वो 30 से ग्रेटर है, इसका मतलब वो 28 इक्वल नहीं होगा, तो हमें यही पे स्टॉप कर देना है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई का पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन है, और ये सेकंड पोजीशन पे ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो अनसक्सेसफुल है. हमारा नंबर यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा पोजीशन ऑफ की यहाँ पे ब्लैंक हो गया, क्योंकि वो हमारा नंबर प्रेजेंट है ही नहीं, इसीलिए हमारा सर्च अनसक्सेसफुल है. आप देख सकते हो अगर ये मेरा लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट है, तो मुझे ये आगे के नंबर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लेस हो गया. अगर यही लिस्ट मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट होता, तो मुझे ये लॉजिक कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना बनता, जो कि यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कि 28 30 से लेस है, तो हमें आगे कहीं भी 28 नहीं मिलेगा. ये केस पॉसिबल नहीं है अगर मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है. तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि सॉर्टेड लिस्ट अगर मेरे पास है, तो लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस हो जाता है. अभी मैं यहाँ पे आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ये जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया हुआ है, वो मेरा सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट मैंने किया हुआ है. मैं यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूंगी. तो यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना है अभी ये प्रोग्राम. ये अगर प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि मैंने ये एरे एक्सप्लेन किया, एरे डिक्लेयर किया हुआ है 7 वैल्यू के साथ, जो मैंने टेस्ट केस में लिए थे. उसके बाद मैं एक की वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, आई को 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, पोजिशन को भी मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने जो नंबर मुझे सर्च करना है, उसको हम की वैल्यू बोलते हैं, वो मैंने सर्च कर लिया. और यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगा लिया. वाइल कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेस देन 7 तक. इस वाइल लूप में मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ मेरा जो की वैल्यू है वो एरे के आइथ एलिमेंट से ग्रेटर है या नहीं. अगर वो ग्रेटर है, तो मुझे आगे जाना है. अगर ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब अगर वो इक्वल है, तो हमें क्या करना है, हमें इक्वल है तो इसका मतलब हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे हम पोजीशन डिस्प्ले कर रहे हैं, और हम यहाँ से एग्जिट हो रहा है. अगर आप देख रहे हो कि मेरा की वैल्यू ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, और अगर हम पोजीशन जो यहाँ पे मतलब ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके एट द एंड तक हम अगर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. और -1 पोजीशन -1 जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए कि हमारा सर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है, और ये हमारा एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये हमें कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है जब तक आइदर हमारा की नंबर प्रेजेंट है, और वो अगर की नंबर यहाँ से ग्रेटर नहीं है और इक्वल भी नहीं है. तो जैसे कि मैंने 28 का एग्जांपल लिया था, 28 इज नॉट ग्रेटर देन 30, ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया. इफ में वो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो वो यहाँ पे आगे जाके एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और यहाँ पे वो बोल देगा कि हमारा यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट नहीं है हमारी लिस्ट में, इसका मतलब यहाँ पे वो हमारा सर्च वो जो है अनसक्सेसफुल हुआ है. तो यहाँ पे मैं अभी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ, और हम देखते हैं 1 by 1. तो सबसे पहला वाला टेस्ट केस था मेरा 60 मैंने इंसर्ट किया. 60 मेरे लिस्ट में प्रेजेंट है, जो कि 5th पोजीशन पे है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है.
मेरा अगला वाला टेस्ट केस था टू सर्च 75, तो यहाँ पे मैंने 75 डाल दिया और हम देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है. तो ये रिजल्ट आ गया सॉरी की नॉट फाउंड. और मेरा लास्ट वाला टेस्ट केस था सर्च 28 करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 28 डाल दिया, ये हो गया मेरा 28. और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं, तो ये भी दिखा रहा है कि ये नंबर प्रेजेंट नहीं है. सो इस तरह से आप लोग ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे मैंने वही वाला प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख के आप ये सी वाला प्रोग्राम आपकी मशीन पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो सेशन देखा सुना, कमेंट देना ना भूलिए. अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए. उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बेल रिंगिंग रखना है, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन देता रहेगा. यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी मेरे सारे वीडियो शेयर कीजिए. उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको मेरे और कुछ वीडियोज का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियोज देखते रहिए, चैनल देखते रहिए और लाइक करना ना भूलिए. थैंक यू.